अब हम लोग बात करें एम्पियर सर्कुलर लॉ का। तो क्या हुआ ना कि एम्पियर ने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन का जो इंटीग्रेशन था, जैसे ई डॉट डी एक्स लिखते थे, माइनस ई डॉट डी एक्स या ई डॉट डी एक्स आपने कैलकुलेट किया वहां पे, या ई डॉट डी आर कैलकुलेट किया, जो बताया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब फील्ड पता हो और पोटेंशियल निकालना हो, तो ई डॉट डी आर से वहां देखा था कि पोटेंशियल में डिफरेंस पता चलता, मतलब पोटेंशियल पता चलता है। तो एम्पियर ने सोचा कि इसी तरह से बी डॉट डी एल क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पोजिशन आर ऐसी, यहाँ पे पोजिशन कुछ डी आर बोला। तो इन्होंने उसी तरह से सोचा कि यदि हम ई डॉट डी एल से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और यदि कंजर्वेटिव फील्ड होता था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो सारा फील्ड कंजर्वेटिव ही था, तो उसका क्लोज लूप के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कितना आता है, जीरो आता है, तो वो कंजर्वेटिव नेचर का था। इसी तरह से एम्पियर ने मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एक फिजिकल क्वांटिटी उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करी। तो इन्होंने भी क्या किया, बी डॉट डी एल फाइंड आउट करने की कोशिश की, जैसे ई डॉट डी आर ऐसे बी डॉट डी एल। तो बी डॉट डी एल जब इन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने कैलकुलेट करने का कोशिश किया, तो उसमें देखा इन्होंने कि उससे कुछ नहीं मिला। बी डॉट डी एल जब इन्होंने कैलकुलेट किया, तो उससे जो क्वांटिटी आई वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिली, यानी उसका कोई ऐसा यूनिट आ रहा है जिसका जो फिजिकल क्वांटिटी नॉन ही नहीं है, जो कहीं कुछ पढ़ने को लिखने को कुछ मिला ही नहीं। जैसे आपसे कहा जाए कि एक यूनिट लिखा है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर कुछ तुम्हें ऐसा याद आ रहा है कि कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें हो, तब तो ठीक है। मान लीजिए तुमको ऐसा कुछ आ जाता है कि हम कहते हैं कि मीटर अपॉन सेकेंड की पावर 6 आ गया, मीटर अपॉन सेकेंड की पावर 6, तो ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है तुम्हारे नॉलेज में जिसका ये यूनिट आता हो? तो ऐसे ही इन्होंने बी डॉट डी एल निकाला, तो उससे ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिली। फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिली, फिर इन्होंने कहा चलो अच्छा क्लोज लूप के लिए निकालते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्लोज लूप के लिए क्या होता था, ई डॉट डी एल क्लोज लूप के लिए जहां से चले वहीं वापस आ गए, और ई डॉट डी एल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, जहां से चले वहीं वापस आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बी वन माइनस बी टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया था, जीरो हो गया था। ऐसे इन्होंने एक लूप के लिए निकाला ई डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। तो जब इन्होंने बी डॉट डी एल कैलकुलेट किया, तो वो जीरो आया ही नहीं। जीरो नहीं आया तो इन्होंने बहुत सारे फिर एक्सपेरिमेंट करके डाटा टेबल तैयार किया, और फिर उन्होंने रिलेट करके देखा कि इन्होंने देखा कि अलग अलग जब लूप लेते हैं हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में, लेंथ अलग अलग कंसिडर करते हैं लूप की, तो सब कुछ चलता है ठीक है, लेकिन वो और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने देखा प्रोपोर्शनलिटी सेम आ रही है, लेंथ बढ़ाएंगे तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन बढ़ जा रहा है वैल्यू। तो प्रोपोर्शनलिटी जब निकाला, वो कांस्टेंट क्या आया, म्यू नॉट आया। तो उसको फिर इन्होंने फाइनली एक रूल बना दिया, लेकिन इसका जो जो सोचने का उनका कारण था वो था कि ई डॉट डी एल जैसा कुछ है क्या, ई डॉट डी एल से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे क्या निकल सकता है वो देखा। तो वहां तो फिर भी एक क्लोज लूप के लिए जीरो हो जाता था, यहाँ जीरो भी ना निकला, कुछ और निकला। तो फिर उन्होंने इसके लिए एक एम्पियर सर्कुलर लॉ बोल दिया, और वो है कि और ये इनफाइनाइट करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए, वो प्लेन के कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। तो सर्कुलर बी डॉट डी एल, सर्कुलर का मतलब होता है क्लोज लूप के लिए लाइन इंटीग्रल, और ये सर्कुलर लगाने का मतलब क्लोज। डी एस लिख देते हैं तो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। बी लिखते हैं आप डी एल, डी एल की जगह डी वी लिख देते हैं मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अभी क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल, तो म्यू नॉट आई इन साइड। और ये करेंट जो भी हम स्टडी करते हैं लूप, वो ऐसे लेते हैं कि जो करेंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं लूप, उसके कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर, समझ गया ना। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड, ये सर्कुलर लॉ है। तो जैसे इसमें अप्लाई करना चाहो, तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के लिए म्यू नॉट आई इन साइड, इन साइड फिर वही इनकमिंग करेंट पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव, जैसे आपको लेना है। मान लो इनकमिंग तुमने आई टू माना, आउट गोइंग कौन है, आई वन और आई थ्री, इसको नेगेटिव, बाकी तो डायरेक्शन प्लस माइनस का भी कुछ आ भी जाता है, तो एडजस्ट करेंगे डायरेक्शन से, तो ये हम लोग पता कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे।
अब बात आती है कि ये तो ठीक है, इससे अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, जैसे अब इसको हम गॉस लॉ के इक्विवेलेंट माने, गॉस लॉ के इक्विवेलेंट, जैसे गॉस लॉ में लेकिन सरफेस एरिया था और ना ही इसको गॉस लॉ से कंपेरिजन करने के लिए बनाया डिजाइन किया गया था इस रूल को, बल्कि क्या था ई डॉट डी एल के बारे में सोचा, उसी तरह से इसको सोचा, लेकिन ये कोइंसिडेंटली जब कुछ नहीं मिला तो अब इसको गॉस लॉ से रिलेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे फ्लक्स निकाल के, ऐसे यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकाल के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो वो गॉस लॉ से कंपेयर करके उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो आपको गॉस लॉ में बताया था कि गॉस लॉ वहां एप्लीकेबल होता है जब भी हम कहीं गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, तो सरफेस जो सरफेस को ऐसे सिलेक्ट करना है आपको, इमेजिनरी बनाना होता है पर ऐसे सिलेक्ट करना है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर या तो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल हो और ओनली रेडियल हो, मतलब नॉर्मल हो, दोनों नहीं होना चाहिए। यदि नॉर्मल हुआ यानी रेडियल हुआ तो उसके हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम, तो डिस्टेंस बराबर होगा तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो इसलिए वहां पे सरफेस कैसा बन गया था, सिमेट्रिकल। ऐसे यहां पर भी हम लोग इसके रूल जो हमें बी डॉट डी एल से यानी एम्पियर सर्कुलर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे जो लूप सिलेक्ट करने का जो कंडीशन है यहाँ पर भी सेम। पहला चीज तो हमने आपको बता ही दिया कि जो करंट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, समझ गए ना, अलोंग नहीं होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलना चाहिए और कोई एंगल नहीं, परपेंडिकुलर ही निकलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम लूप ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि जो लूप होगा उस लूप के लिए जो लूप के जितने पॉइंट्स होंगे वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या तो सिर्फ टेंजेंशियल बने या सिर्फ रेडियल बने, मतलब टेंजेंशियल बने या रेडियल बने। यदि वो रेडियल है मतलब नॉर्मल के अलोंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना क्या है, लेकिन यदि टेंजेंशियल हुआ तो वहां पर मैग्नीट्यूड हर जगह क्या होना चाहिए, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड में उल्टा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि जब नॉर्मल हुआ तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ बी डॉट डी एल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का लूप ऐसे लिया तो डी एल इधर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो एंगल जीरो होना चाहिए ना, तो इसलिए हम टेंजेंशियल के लिए कह रहे हैं कि हर जगह मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। लेकिन रेडियल में मैग्नेटिक फील्ड यानी ये आप ऐसे सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस तरह से है ना, और नॉर्मल आ रहा है इधर, तो ये कुछ भी हो चाहे कांस्टेंट या वेरिएबल, नॉर्मल प्रोडक्ट बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसी तरह से सिलेक्ट करना है। तो इसके बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, तो हम यहां सीधा फॉर्मूला लिख रहे हैं है ना, तो इसलिए जैसे ये हॉलो सिलेंडर है और बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हमने फिगर में भले इतना दिखा दिया, बहुत बड़ा सिलेंडर है, इसका रेडियस आर और यहां से हमें एक्सिस से एक्स दूरी पर फील्ड चाहिए, तो जो करंट जाएगा वो तो सिर्फ कहां से जाएगा, सरफेस से जाएगा, पूरे सरफेस से जाएगा लेकिन बाहर वाले सरफेस से जाएगा, तो एक्स दूरी पर फील्ड पता करना है, तो बी इक्वल टू जीरो और म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, ये है एक्स का वैल्यू आर से कम, ये एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन आर। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना बेटा, तो इसका जो ग्राफ आएगा एक्स के साथ बी का, तो पहले फील्ड जीरो है तो ऐसे चलेगा, कहां तक चलेगा आर तक, और फिर अचानक से वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, देखो एक्स ग्रेटर इक्वल देन आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब रेक्टेंगुलर आई पर बोला, तो उसके बाद ये डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगा, जीरो, ऐसे चलेगा ग्राफ, इनफाइनाइट पर जाकर कितना मिलेगा, जीरो बनेगा, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा।
मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, आउटसाइड फील्ड चाहिए हमें, तो हम मान सकते हैं सारा का सारा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, एक्सिस से, तो एक्सिस से फ्लो करेगा, तो इनफाइनाइट वायर मानो क्या होता था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, तो वही बन रहा है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स। इसी तरह से जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, तो अब सॉलिड सिलेंडर होगा तो उसके होल क्रॉस सेक्शन से जाएगा करंट, सॉलिड सिलेंडर के केस में जो करंट फ्लो होगा वो उसके होल क्रॉस सेक्शन से हर जगह से जाएगा, हर जगह से, तो टोटल करंट आई है, तो इसमें जो बी बनेगा फिर वही कि मान लो यहां से हमें एक्स दूरी पर चाहिए, इसका रेडियस कितना है आर, तो बी इक्वल टू जो यहां बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, या म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, ये है ग्रेटर इक्वल देन आर और ये है लेस देन आर। तो ये जो ग्राफ बनेगा देखो, पहले प्रोपोर्शनल टू एक्स है ऐसे, और ये कब तक, आर तक, उसके बाद क्या करेगा डिक्रीज और इनफाइनाइट पे जाके कितना हो जाएगा जीरो, ऐसे डॉटेड करके मिला देगा, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या है ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बाद। तो मैग्नेटिक फोर्स, इफ एक चार्ज क्यू इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी विथ वेलोसिटी वी, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी, दिस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सो इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दिस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड सो नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होगा, एफ एम विल बी क्यू वी क्रॉस बी। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, हियर मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन स्पेस एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी बी, मेक्स एंगल थीटा, देन एफ एम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बिकम क्यू वी वी साइन थीटा, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स इज इन द वेक्टर फॉर्म दिस। सो मिनिमम फोर्स, सिंस मैग्नेटिक फोर्स और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इन वेक्टर क्वांटिटी प्लस माइनस डिसाइड द डायरेक्शन, बट इन मैग्नीट्यूड ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ फोर्स इज माइनस 5 न्यूटन मीन्स मैग्नीट्यूड इज 5 न्यूटन, एंड इफ फोर्स इज 5 न्यूटन देन स्टिल मैग्नीट्यूड इज 5 न्यूटन, सो देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, इधर फोर्स 5 और माइनस 5, बट फॉर 5 न्यूटन एक्ट
in east direction, then minus 5 newton east means 5 newton act in the best direction, opposite to the east. So F minimum will be 0. कब होगा? When theta equal to 0 or pi, parallel or anti-parallel. And Fm maximum force will be QVV when theta equal to pi by 2. When theta will be pi by 2. Now, see here. Theta equal to 0 means velocity and this is magnetic field. Theta equal to pi means velocity. Suppose in this direction, then magnetic field will be in this direction. So this is pi. And theta equal to pi by 2. Suppose magnetic field in this direction, then velocity will be in this direction. Okay. Now, since Fm equal to QV cross B, cross product is always perpendicular to the plane of given vectors. That is, Fm will be perpendicular to velocity and Fm perpendicular to magnetic field. It's mean क्रॉस प्रोडक्ट से जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ये वेक्टर्स लाई कर रहे हैं. यदि वेलोसिटी बी और वी इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर, तो एफ एम इनके बीच का एंगल कुछ भी बना रहा है, 90 हो, पाई हो, 0 हो, 120 हो, 30 हो, कुछ भी हो, पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. मतलब या तो ये बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड और इनवर्ड जो भी होगा, पर आएगा परपेंडिकुलर. Now, dot product of magnetic force with the velocity कितना हो जाएगा? Zero, because these two quantities perpendicular and dot product of two vectors is A dot B is A B cos theta. Theta will be pi by 2. So, A dot B become zero. So, dot product zero. इसका meaning क्या होगा? That is, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क, क्योंकि पावर डिलीवर नहीं कर रहा है तो वर्क नहीं करेगा. इसका मतलब हुआ दैट इज, क्योंकि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यदि सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करे तो उसने कोई वर्क नहीं किया, बिकॉज ये कोई भी पावर डिलीवर नहीं कर रहा है. तो जब वो वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इसका मीनिंग हुआ दैट इज मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम इवन मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट. इसका मतलब हुआ दैट इज स्पीड, वेलोसिटी तो नहीं कह सकते हैं स्पीड, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन तो बदलेगा. दैट इज स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन कॉन्स्टेंट. स्पीड, वेलोसिटी चेंज, बट स्पीड कैन नॉट बी चेंज. ओके, तो स्पीड क्या होगा, इसका नहीं बदलेगा, बिकॉज इस पे कोई वर्क ही नहीं किया जा रहा है. काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज नहीं आना है, मास वही रहना है, तो फिर क्या हो जाएगा, स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया ना, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया. मैग्नीट्यूड ना बदला पर डायरेक्शन बदला, तो उसको तो हम लोग चेंज मानेंगे ना. ठीक है,
तो अब हम लोग जान गए कि मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी होता है। तो इसका मतलब एक तो हो गया कि इसका डायरेक्शन पता करना है, तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका, जैसे हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करके या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने का एक मेथड बताया था, उसी तरह से यहां पर भी करना है। अदरवाइज बी क्रॉस बी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा जो डायरेक्शन निकालने का मेथड है वो देखें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखें, फिर वही राइट हैंड पाम रूल। और इस पाम रूल में क्या था कि राइट हैंड पाम रूल में थंब अलोंग द करंट, यानी इसको कहां रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे तो थंब को कहां रखा था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर फिंगर्स को टूवर्ड्स द पोजीशन वेयर फील्ड कैलकुलेटेड, फील्ड टू बी कैलकुलेटेड, जहां पे हमें फील्ड चाहिए था वहां पे हमने फिंगर्स रखी थी, पर यहां आप चाहिए थोड़ी, यहां तो फील्ड पहले से पता रहेगा, तो यहां फील्ड कैलकुलेट करने की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, फील्ड हमको पता रहेगा तो इसलिए यहां पर क्या करना है, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में और फिंगर्स को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन डायरेक्शन ऑफ पुश बाय द पाम, हथेली से जो धक्का देने वाला डायरेक्शन पिछले बार की तरह जैसे बताया था ना, जो छापर मारने वाला डायरेक्शन होगा, स्लैप मारने वाला जो डायरेक्शन होगा वही, देन डायरेक्शन ऑफ पुश बाय द पाम इज द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखना है आपको, है ना। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल में देखें कि एग्जाम्पल में कैसे कर सकते हैं। अब यहां देखें, एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, क्रॉस क्या बताया था, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड फील्ड और डॉट का मतलब आउटवर्ड। इन दिस इनवर्ड फील्ड सपोज अ बायर प्लेस्ड विच कैरीज करेंट आई, ओके, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी बाय द राइट हैंड पाम रूल, थंब टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड सो फिंगर गोज लाइक दिस, ओके, देन डायरेक्शन ऑफ पुश बाय द पाम, तो जो स्लैप मारने वाला डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, इस तरह हुआ। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी एफ एम इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली अ चार्ज पार्टिकल, दिस इज बायर विच कैरीज करेंट आई, नाउ अल्फा पार्टिकल इज मूविंग राइट साइड विद वेलोसिटी वी इन दिस यूनिफॉर्म फील्ड, सो दिस पार्टिकल इज अल्फा, अल्फा 2He4 इक्विवेलेंट टू प्लस 2E, करेंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज, सो अल्फा गोज राइट साइड, सो इक्विवेलेंट करेंट विल बी राइट साइड, सो करेंट राइट साइड, सो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स विल बी अपवर्ड, तो इट विल बी मूव, इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ बीटा, बीटा पार्टिकल -1E0 मीन्स इट विल बी नेगेटिवली चार्ज, सो इफ इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन सो करेंट विल बी अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। नाउ टेक थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be perpendicular to the this field and velocity, or direction of push by the palm is the direction of magnetic field, so magnetic force acting on this particle will be in this direction, thumb in the direction of current, current idhar kyun liya,
क्योंकि बीटा बोले तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा तो करंट अपोजिट होगा, फोर्स कहां लगेगा इधर, न्यूट्रॉन विल बी न्यूट्रल, सो नो चार्ज सो नो करंट, दिस इज न्यूट्रॉन सो नो चार्ज, नो चार्ज इंप्लाइज नो करंट, इफ नो करंट सो नो मैग्नेटिक फोर्स, सो नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। ओके, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर विल बी नो एक्सटर्नल फील्ड बट टू पैरेलल वायर्स विच कैरीज करंट आई वन एंड आई टू इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली, अभी हम लोग कोई मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड आउट कर रहे, अभी तो हम सिर्फ डायरेक्शन को समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब फर्स्ट वायर करंट कैरिंग एलिमेंट है तो सराउंडिंग में फील्ड तो जनरेट करेगा। अब सपोज यहाँ एक्सटर्नल फील्ड नहीं है लेकिन ये तो जनरेट करेगा, ये भी जनरेट करेगा, तो फोर्स एक्ट कर सकता है। फिलहाल हम इससे बात करें पहले, आई वन, ड्यू टू आई वन मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट वेयर आई टू इज प्लेस्ड, वेयर आई टू इज प्लेस्ड, तो यहां पे क्या होगा, ये वायर है तो इसकी वजह से यहां फील्ड कहीं कैलकुलेट कराना है। देखें तो अब फील्ड में फील्ड वाला कंसेप्ट लगाइए, थंब को करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को टुवर्ड्स द पोजीशन वेयर वी डिजायर द मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर हो गया। तो अब यहां पर थंब पोजीशन फील्ड विल बी इनवर्ड होगा, तो इसकी वजह से जो फील्ड आया वो कैसा बना, इनवर्ड, ये तो बी वन हो गया। अब आप ऐसे सोचो, इसने अपना काम कर दिया, फील्ड बना दिया, तो इसकी वजह से यहां जो फील्ड इनवर्ड बना, अब उस इनवर्ड फील्ड में ये वायर रखा, तो अब इस पे फोर्स देखो, थंब कहां रखते हैं करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, इस साइड लगा, इसका मतलब फोर्स एट टू ड्यू टू वन विल बी इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, जैसे हमने ड्यू टू फर्स्ट वायर सेकेंड वायर पर फोर्स कैलकुलेट किया, अब हम लोग चाहते हैं सेकेंड वायर से फर्स्ट पे क्या होगा, तो फिर सेकेंड वायर की वजह से फर्स्ट पर फील्ड निकालो, तो सेकेंड वायर में करंट इधर है, पोजीशन इधर है, तो फील्ड विल बी क्या होगा, इनवर्ड अगेन, सो फील्ड विल बी इनवर्ड इन दिस इनवर्ड फील्ड। नाउ वायर आई वन इज प्लेस्ड, सो करंट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड द पोजिशन वेयर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ओके, देन डायरेक्शन ऑफ पुश बाय द पाम इज लेफ्ट वार्ड, सो फोर्स विल बी एट वन एंड टू। अभी हम इनके मैग्नीट्यूड तो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन ये म्यूचुअल फोर्स है, जो भी म्यूचुअल फोर्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, मीन्स देयर मैग्नीट्यूड्स विल बी सेम, आगे कैलकुलेट करेंगे, अभी कैलकुलेट नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। ओके, तो ये एफ वन टू एंड एफ टू बना म्यूचुअल फोर्स, सो देयर मैग्नीट्यूड्स विल बी सेम बट देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट, सो एफ वन टू इक्वल टू माइनस एफ टू वन वेक्टर। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं पर आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जब भी म्यूचुअल फोर्स होंगे तो इक्वल एंड अपोजिट एंड देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ठीक है ना, देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। नेक्स्ट केस, सपोज वायर आर पैरेलल एंड दे कैरीज करंट इन द सेम डायरेक्शन, सो अगेन वी विल कैलकुलेट, ड्यू टू फर्स्ट वायर मैग्नेटिक फील्ड हियर विल बी थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोजीशन फील्ड विल बी इनवर्ड, तो ड्यू टू फर्स्ट वायर मैग्नेटिक फील्ड बी इनवर्ड वेयर सेकेंड वायर प्लेस्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन दैट इज लेफ्ट वर्ड, सो दिस विल बी
F12. Now, due to second wire, current due to second wire, magnetic field where first wire is placed. So, thumb in the direction of current, fingers towards the position, then field will be outward. So, it means field will be outward due to two. Now, in this field, wire 1 is placed, thumb in the direction of current, fingers in the direction of magnetic field, the force will be rightward. So, F21. So, again, F12 equal to F21, but direction opposite, so minus. Means their magnitudes are same. Okay. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट पर और मूविंग चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. इफ चार्ज रिमेन एट रेस्ट, सपोज वेलोसिटी बिकम जीरो, Fm इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या है, क्यू वी क्रॉस वी. तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो फिर तो भी क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो. या चार्ज ही जीरो हो जाए तो अगेन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो. ठीक है, अगेन मैग्नेटिक फोर्स विल बिकम जीरो. नाउ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन फर्स्ट केस इज चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, means neither magnitude change nor direction change. Charge particle Q is projected velocity V. Since magnetic force always perpendicular to velocity and magnetic field, if and I already told you power delivered by magnetic force will be zero. So, its speed remain unchanged. If magnetic force always perpendicular to the direction of motion and its magnitude remain constant, then path always becomes circular. So, path will be circular. So, magnetic force will act in this direction and its Fm equal to QVV sin pi by 2 equal to constant, magnitude constant, and vector wise is perpendicular to V. So path will become circular. If path becomes circular, then for circular motion a centripetal force required. तो centripetal force कहां से मिलता है, toward the center net force, and toward the center net force is Fm which gives centripetal force. Fm is QVV sin 90, that is 1, and it will be mv square by r. So r equal to mv by QV, or P by QV. P means linear momentum, or relation between linear momentum and kinetic energy is P equal to root 2mk, K is the kinetic energy, upon QV. So radius will be this. Okay? तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, जो radius का relation है, if charge particle is moving, Q cannot be changed. ओके, इन क्लासिकल मैकेनिक्स मास रिमेन कांस्टेंट, इन रिलेटिविटी कांसेप्ट मास विल चेंज विद पोजीशन, पर इन क्लासिकल मैकेनिक्स मास रिमेन कांस्टेंट विद मोशन. सो क्यू कांस्टेंट, वी ऑलरेडी टोल्ड यू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स मींस एम क्यू बी कांस्टेंट, बट वी कैन चेंज द वी. इफ वी चेंज देन आर विल चेंज. सो हियर it is clear that
आर प्रोपोर्शनल टू वी, इट्स मीन इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल इंक्रीज, इफ स्पीड इंक्रीजेस देन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल इंक्रीज. नाउ इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, एंड ओमेगा कैन बी रिटेन एज वी बाई आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा, सो इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी. और वी कैन से इन वन रोटेशन इट कवर्स डिस्टेंस 2 पाई आर एंड इट्स स्पीड इज वी, सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई आर अपॉन वी. ओके, सो दिस इज द टाइम पीरियड. नाउ टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई वी एंड आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड एम वी बाई क्यू वी, सो वी विल कैंसिल आउट, सो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू वी, 2 पाई एम अपॉन क्यू वी. दिस टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस. सी इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, इट्स मास रिमेन कॉन्स्टेंट, चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सो दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और आर. इट्स मीन इफ वेलोसिटी चेंजेस रेडियस चेंजेस बट टाइम पीरियड कैन नॉट बी चेंजेस, टाइम पीरियड कैन नॉट बी चेंज, तो टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इट्स मीन सपोज इन यूनिफॉर्म फील्ड अ पार्टिकल इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v एंड इट्स रेडियस इज r. सपोज इफ वी डिक्रीज इट्स स्पीड, इफ वी डिक्रीज इट्स स्पीड देन इट्स रेडियस विल डिक्रीज बट suppose if v its radius is r and its radius is r1, so if v1 less than v, if v speed decreases then it implies radius of circular path will decreases because v proportional to r, v increases R increases, V decreases, R decreases. So if V decreases, then radius will decrease, but time period remain unchanged. कभी कभी ऐसा माइंड में आएगा हमारे कि स्पीड हम लोग इंक्रीज करें तो ये जल्दी से राउंड लगा के आ जाएगा, पर एक्चुअल ऐसा नहीं होगा. हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो वो अपने रेडियस ऑफ द पाथ इंक्रीज कर लेगा जिससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, पर टाइम क्या लेगा, सेम लेगा. सपोज वी इंक्रीजेस इट्स स्पीड, सपोज अपन ने इसका स्पीड कितना कर दिया वी टू, इसका सेंटर शिफ्ट हो जाएगा कहीं तो इसका रेडियस विल बी आर टू. सेकेंड केस इफ वी टू ग्रेटर देन वी, इट इंप्लाइज आर टू ग्रेटर देन आर बट T2 इक्वल टू T, तो टाइम पीरियड इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना. पर टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम. मतलब हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो ये जल्दी चक्कर लगा लेगा. इट विल टेक सेम टाइम एज अर्लियर इफ स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस करस्पॉन्डिंग टू इट्स रेडियस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट टाइम पीरियड remain unchanged. It will take equal time as earlier. Okay? Now see one example. There are two charged particles, proton and alpha. A proton and alpha particle is projected perpendicular to the same uniform magnetic field with same magnitude of linear momentum. Calculate ratio of time period of proton and
अल्फा पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल. सी हियर गिवन लीनियर मोमेंटम बोथ ऑफ सेम मींस पी प्रोटॉन इक्वल टू पी अल्फा इट इज गिवन. नाउ बी पार्ट, फर्स्ट वी सॉल्व बी पार्ट. आर पी वाई आर अल्फा इज क्यू आर इक्वल टू एम बी, एम बी मीन्स पी अपॉन आर पी मीन्स एम बी वाई क्यू बी फोर प्रोटोन एम बी वाई क्यू बी फोर अल्फा पार्टिकल. इस तरह शो करने का मतलब है फोर प्रोटोन एंड फोर अल्फा पार्टिकल. प्रोटोन एंड फोर अल्फा पार्टिकल्स मोमेंटम आर सेम लाइक पी एंड फोर प्रोटोन चार्ज इज ई मैग्नेटिक फील्ड इज बी. लीनियर मोमेंटम विल बी सेम फॉर बोथ द पार्टिकल पी पर फॉर अल्फा पार्टिकल्स चार्ज विल बी प्लस टू ई एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बी. ओके सो पी विल कैंसिल आउट, ई विल कैंसिल आउट, सो इट विल बी टू आंसर. नाउ सी ए पार्ट. टी प्रोटोन बाई टी अल्फा इज टू पाई एम बाई क्यू बी फोर प्रोटोन एंड टू पाई एम बाई क्यू बी फोर अल्फा. नाउ सी टू पाई प्रोटोन एम फोर प्रोटोन इज एम एंड चार्ज इज ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एंड फॉर अल्फा पार्टिकल टू पाई इफ मास ऑफ वन प्रोटोन इज एम देन इन अल्फा पार्टिकल्स देयर आर फोर न्यूक्लियाई एंड मास ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन नियरली सेम सो इट विल बी फोर एम. मास विल बी फोर एम एंड चार्ज विल बी टू ई. नाउ टू पाई कैंसिल, एम कैंसिल, ई बी कैंसिल, सो टू मीन्स इट विल बी इन द रेशियो ऑफ हाफ. ओके अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देखें. नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर दिया. अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी. प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, विथ सेम लीनियर मोमेंटम, नाउ विथ सेम काइनेटिक एनर्जी. देन कैलकुलेट टीपी बराबर टीपी बाई टी अल्फा एंड आर पी बाई आर अल्फा. नाउ फोर प्रोटोन एंड फोर अल्फा पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी सेम. नाउ सी ए पार्ट. टीपी बाई टी अल्फा अगेन 2 pi m by qv for proton, 2 pi m upon qv for alpha particle. Now for proton mass m charge e and for alpha particle mass 4 m and charge 2 e. So it will be half. Okay. Now see B part. R P Y R alpha means root 2 M K P Y Q B or root 2 M K by Q B for proton, root 2 M K by Q B for alpha particles. Now root 2 M इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज एम काइनेटिक एनर्जी के चार्ज ई मैग्नेटिक फील्ड बी एंड फॉर अल्फा पार्टिकल्स मास विल बी फोर एम काइनेटिक एनर्जी के एंड चार्ज टू ई एंड बी ई बी एम के कैंसिल रूट टू एंड रूट टू कैंसिल सो इट विल बी
स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज मीन्स ये 2 ऊपर चला गया, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 रूट 2 एंड 4 इज 2 रूट 2, रूट 2 रूट 2 कैसे, दैट इज 1, इट्स मीन्स रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा विल बी इन द रेशियो 1:1, ओके। नाउ क्वेश्चन इज अ चार्ज प्लस क्यू ऑफ मास एम इंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज यूनिफॉर्म एंड मेक्स थीटा विद द बाउंड्री। ये होल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है पर इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट टाइम इलेप्स्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड। तो जैसे ही ये आउटसाइड रहेगा जब तक देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, बट व्हेन इट इंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सो नाउ फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन जस्ट इंटरिंग पॉइंट, सिंस चार्ज इज पॉजिटिव सो करेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस फील्ड विल बी इनवर्ड सो फोर्स विल बी हियर। सो वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स गिव्स सेंटीपेटल फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन इट्स मीन्स सेंटर विल बी इन दिस लाइन समवेयर। सो ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी मूव इन स्ट्रेट पाथ बट इट विल डेविएट लाइक दिस। व्हेन इट कम्स इफ गोइंग आउट द फील्ड विद सेम एंगल ड्यू टू सिमेट्री, सो जस्ट कमिंग आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जस्ट कमिंग आउट, हियर मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट, हियर मैग्नेटिक फोर्स विल नॉट एक्ट। सो इफ हियर नो फोर्स सो पार्टिकल विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ एफ एक्सटर्नल 0। तो बाई फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रिमेन एट रेस्ट इफ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट। सिंस पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी सो इट विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी स्ट्रेट पाथ। हियर मैग्नेटिक फोर्स इन दैट, नाउ स्टडी द मैग्नेटिक फोर्स, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स विल बी हियर। सो मैग्नेटिक फोर्स हियर विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस रेडियस इंटरसेक्ट हियर सो दिस इज द सेंटर, ओके। दिस एंगल थीटा, दिस 90 माइनस थीटा सो दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा। एक पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर आर्क इवन इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स रेडियस रिमेन अनचेंज मीन्स आर इक्वल टू एम बी वाई क्यू बी। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सर्किल हो तभी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां तक भी सर्कुलर आर्क पे चलेगा वहां पे रेडियस उसको जो चाहिए होगी तो वो रेडियस क्या होगा सर्कुलर पाथ का, एम बी वाई क्यू बी। एंड टाइम पीरियड, पूरा टाइम पीरियड यदि सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है तो 2πm/qb ये रहेगा सेम। क्वेश्चन हमारा ये था कि इसको इतना कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए टाइम इलेप्स्ड इन मैग्नेटिक फील्ड यदि हमको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, एंगल थीटा बाई ओमेगा होता है ना, बाई एंगुलर वेलोसिटी। जैसे टाइम फॉर लीनियर मोशन डिस्टेंस बाई स्पीड, ऐसे यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगल और वी कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगुलर वेलोसिटी। सो हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 थीटा एंड एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटेन एज ओमेगा, दैट इज थीटा मस्ट बी इन रेडियन सो दिस इज 2π/T। सो टी इक्वल टू 2θ/2π एंड टी इज 2πm/qb बिकॉज
when it moves here to here, then its radius vector will moves by angular displacement by 2 theta. So angular displacement is 2 theta. Omega 2 pi by t, 2 pi will cancel out. So time elapsed is 2m theta y qb, but theta in radian. If suppose in problem we want to calculate entry point or exit point, it means this separation. So this separation can be calculated r, then r cos theta is r sin theta and r sin theta. So separation between entry and exit point is 2r sin theta. R is this and sin theta. So we can calculate also separation between entry and exit point, but here time elapsed is 2m theta by qb. Okay. Case second, charge particle is projected at an angle theta with the uniform field, magnetic field, okay, but theta not equal to 0, pi or pi by 2. Perpendicular वाला केस पहले ही पढ़ चुके हम लोग. यहां पर आप देखें, सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेक सम एंगल विद वेलोसिटी वी थीटा. इट विल मूव्स इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट बी पैरेलल इज बी कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर इज v sin theta. Okay, this component which is perpendicular to the field revolve in a circular path, and this component displaced axially. So finally its path will become helical like this as a spring. So its radius r will be, because F centripetal force given by magnetic force, so centripetal force mb square by r, but b will be perpendicular in circular motion, velocity b equal to r omega, in the velocity b equal to r omega, b is the tangential velocity. Tangential means perpendicular to the radius vector. So b perpendicular square by r. Fm is q v sin theta. Since b perpendicular equal to v sin theta, so it can be written as q v perpendicular v. B perpendicular cancel out, so r will be m b perpendicular by q v, or mv sin theta by qv. So this is radius and time period will be in bund rotation, distance covered is 2 pi r, and velocity which can be rotated in circular path will be v sin theta, that is v perpendicular. Substitute r equal to mb sin theta by qb or this, so b perpendicular cancel out, so t will be 2 pi m upon qb equal to constant, which is independent of velocity and radius of the path. ठीक है, तो पहले भी क्या कैलकुलेट किया था हमने, टाइम पीरियड जो था वो इंडिपेंडेंट था, तो इंडिपेंडेंट विद वेलोसिटी एंड रेडियस, एंड दिस मूवमेंट इन वन रोटेशन, इट्स एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज पिच एस. सो पिच कैन बी कैलकुलेटेड
component of velocity which moves axially and rotation of one and time period of rotation. So B parallel cos theta into t. So we can calculate. So B parallel cos theta means B cos theta. B parallel means B cos theta or B parallel. इस तरह से लिखेंगे. एक component parallel हो गया, एक perpendicular. तो ये V था. तो इसका जो component इधर आएगा, V cos theta इधर, V sin theta. So B parallel will be B cos theta and B perpendicular will be B sin theta. So pitch will be B parallel into t, B parallel into t or B axial into t or we can say V cos theta into t. So we can calculate pitch. Okay. Now see one more example. Suppose uniform magnetic field B 1 Tesla exists in the space. If charge particle of specific charge, specific charge is defined as ratio of charge to mass, that is Q by M. Q by M is known as specific charge. Ratio means Q by M is known as specific charge. 2 coulomb per kg is projected with 37 degree with the direction of field with 10 meter per second. Then calculate time period of revolution and the pitch. So time period of revolution is formula 2 pi m by qv. So 2 pi q by m into v, 2 pi q by m is 2 दे रखा है and magnetic field is 1. So pi second, that is 3.14 second is time period of revolution. Or we know time period of revolution does not depend on velocity and radius of the path. And B pitch. Pitch is the, if we break this velocity, then this component B cos 37, 8 and B sin 37, 6. Cos 37 is 4 by 5 and sin 37 is 3 by 5. So if resolve this velocity, so parallel component become 8 and perpendicular component become 6. So we want to calculate pitch, and pitch equal to B parallel into T, that is 8 pi meter. That is 8 pi meter or nearly 25 meter. Suppose if we want to calculate radius of its path, then we also use the formula MB perpendicular by QB. So can be written as B perpendicular by Q by M into B. B perpendicular is 6, Q by M is 2, magnetic field 1, that is 3 meter. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर नहीं है तो प्रॉब्लम को इस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे एंड इट्स पाथ विल बी हेलिकल. ओके, इट्स पाथ विल बी हेलिकल लाइक स्प्रिंग, लाइक ए स्प्रिंग. तो इट मूव्स लाइक दिस. ओके,